Hey guys, welcome back to my channel MN Vlogs. This is your friend Manjeet and back with a new video. चलो आगे जाके बात करते हैं. पहले एक दोस्त रुका है वहाँ पे. चलो थोड़ा बहुत बारिश दे रहा है. लेट्स सी आगे जाके. तो गाइस यहाँ पे पूरा बारिश दे रहा है और मेरे साथ है मेरा दोस्त शांतो. तो हम लोग आज एक साथ राइड कर रहे हैं. हम लोग आज जा रहे हैं टुवर्ड्स कॉलेज, गोसाओ कॉलेज. वो आप लोगों को देखने को मिलेगा. मैंने सोचा नहीं था कि अभी इतना बारिश देगा, लेकिन बारिश का स्पीड थोड़ा भर गया है अभी. एंड घर से निकलते मुझे 10 मिनट हो गए हैं. एंड राइट नाउ आई थिंक इट्स 6:15 AM. 6:15 एंड पूरा बारिश दे रहा है यार. चलो कोई नहीं, कॉलेज की तरफ जाके मिलते हैं गाइस. अगर कॉलेज का गेट खुला हुआ तो कॉलेज भी दिखाना हो जाएगा अंदर से. या तो जब से मैंने साइकिल लिया है तभी से दिन को या फिर रात को साइकिल राइड करता हूँ. कल रात को अराउंड 10 किलोमीटर किया था एंड आज सुबह फिर से निकला हूँ ब्रो के साथ, शांतो भाई के साथ. तो वही अच्छा चल रहा है रूटीन. काफ़ी स्पीड से चला यार, थोड़ा बहुत थक गया यहाँ तक आने में ही. ज़्यादा दूर नहीं है मेरे घर से कॉलेज और ये हम फाइनली पहुँच गए आफ्टर लॉन्ग राइड. मुझे ATM भी जाना है थोड़ी देर बाद. पहले कॉलेज घुसते हैं उसके बाद. चलो खुला ही है अंदर. मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ गेट खुला है, इसीलिए प्लान बनाया. गोसाईगांव में पूरा साल बगान है देखो. बाप रे पीट डर कर रहा है पता नहीं कल से. ये रहा कॉलेज, थोड़ा कॉलेज घुमा देता हूँ. कोई भी नहीं है शायद कॉलेज में. आओ थोड़ा इस तरफ अगर आओगे तो. तो ये है गोसाईगांव कॉलेज एंड ये बिल्डिंग नया है, कुछ साल पहले बनाया है शायद. गार्डन एरिया. अभी तो बंद है कॉलेज, आप लोगों को पता ही है. हाँ यहाँ पे आओ, थोड़ा रुकते बारिश कम होने तक. हाँ बारिश फुल स्पीड में, बारिश फुल स्पीड में दे रहा है. हाँ पूरा भीग गया शू एंड ऑल, स्किन पे भी लग गया है पानी. उठा ले फेंको. हाँ अंदर रख देते हैं ना. तो गाइस यही है गोसाईगांव कॉलेज एंड उस तरफ तो कुछ नहीं है, क्लास ही है. सब जगह क्लासरूम ही है. बट तुम इसी कॉलेज में हो ना? नहीं नहीं मैं शिलोंग में हूँ. ओह शिलोंग में. बड़ा पानी? बड़ा पानी यार. ओह UMM के पास में ना. हाँ मैंने सोचा था ये कॉलेज में पढ़ने का मेरा बहुत सपना था. क्यों? मतलब लोकल में पढ़ने का ना. लोकल में बहुत लोग तो नहीं पढ़ते लोकल में, सिर्फ बाहर जाते. तुम्हारा सपना था यार? मैंने तो कोकराझार
कोकराझार, कोकराझार में मेरा भी मन था वो क्या है कॉलेज सर है नाम भूल गया, यूएन, नहीं नहीं यूएन में मतलब मम्मी डालना चाहती थी। मैंने सोचा चलो ठीक है डिसिप्लिन स्ट्रिक्टनेस है थोड़ा बहुत पढ़ाई ठीक हो जाएगा, हुआ नहीं। फिर मैं 5 साल में ले लिया ना, मैंने 5 साल में किया और फिर ग्रेजुएशन भी मैंने 1 साल बोजाली कॉलेज में किया था 5 साल में। उसके बाद क्या हुआ कि हिस्ट्री में मन नहीं लगा, फिर मैंने बेटरमेंट दे के गुवाहाटी में लिया। फिर गुवाहाटी में फर्स्ट ईयर से ना क्या? हाँ फर्स्ट ईयर से, मतलब स्ट्रीम चेंज कर देना। पहले तो मैं 5 साल में हिस्ट्री में था, आर्ट्स में था स्ट्रीम में, उसके बाद गुवाहाटी जाके बीकॉम में ले लिया, बीकॉम ले लिया, चेंज हो गया। अभी कौन सा गुवाहाटी में कौन है? एसबी देवरा। तो गाइस बारिश होने के बाद मिलते हैं, अभी तो फिलहाल रुकेंगे यहाँ पे थोड़ी देर, अभी फुल स्पीड में बारिश दे रहा है, थोड़ी देर बाद निकलेंगे तब फिर से स्टार्ट करेंगे। चलो तो गाइस ये मुझे भी लगाना पड़ेगा, बोतल होल्डर मेरे पास नहीं है। एंड भाई का साइकिल देखो, हैंडल टेढ़ा है लेकिन अच्छे से चलाता है ब्रो। मेरा यहाँ भी लगाना पड़ेगा बोतल। एंड गाइस मडगट नहीं होने से ना काफ़ी स्टाइलिश लगता है, लेकिन ये कीचर देखो, कीचर पूरा पैर में लगता है पीछे, देखो मेरे यहाँ पे सब कीचर लग गए हैं। तो गाइस थोड़ा ऊपर जाके देखते हैं क्योंकि मैं कभी गया नहीं, ज़्यादा आया नहीं मैं यहाँ पे। एक बार आया था फॉर्म फिलअप करने के लिए, जब क्लास 10 पास किया था तब यहाँ पे फॉर्म देने के लिए आया था और नीचे देख के चला गया था, ऐसे ऊपर नहीं घुमा मैं कभी। तो ये बोरो में लिखा हुआ है, इंजूर लाइसी बोरो बिफान गोसाईगांव फोराई सालीमा गोसाईगांव ये। तो हाँ मुझे बोडो पढ़ना भी आता है, ड्राइंग करा हुआ है थापसी इंजूर लाइसी, मुझे मीनिंग नहीं पता उतना लेकिन पढ़ना आता है। और थोड़ा घूम लेते हैं इस तरफ क्या क्या है नहीं है, अभी तो सब बंद है दरवाज़ा, लेकिन फिर भी जितना हो काफ़ी क्लासरूम्स है यार, काफ़ी ज़्यादा। ये बिल्डिंग पहले नहीं था, बहुत साल पहले नहीं था। एंड डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश इस तरफ ऑफिस होगा, इस तरफ से नीचे जा सकते हैं शायद, लेकिन गेट बंद है। देखो ऊपर जाते चलो, बाप रे काफी भास्ट है यार एरिया। तो वो रहा मेन गेट, ये एक बना हुआ है, मुझे उतना पता नहीं है, मैं नेट में देख के बताता हूँ आप लोगों को। रुको गोसाईगांव कॉलेज, ये देखो यहाँ पे कितना जगह है यार, साइकिलिंग कर पाएंगे यहाँ पे इस तरफ देखो। तो गाइस गोसाईगांव कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ था इन 1971 कोकराझार डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एंड 71 से अभी कितना साल हो गया, 50 ईयर्स पूरे हो गए यार इस साल, 2021 को 50 ईयर्स पूरा हो गए। तो ये जीयू के अंदर आता है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, एंड यहाँ पे डिपार्टमेंट्स है आर्ट्स का और साइंस का, साइंस का है फिजिक्स मैथमेटिक्स केमिस्ट्री बॉटनी एंड जूलॉजी, आर्ट्स का है एसएमएस बोडो इंग्लिश हिंदी हिस्ट्री
एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, फिलोसॉफी एंड पॉलिटिकल साइंस, तो ये सब डिपार्टमेंट्स है गोसाया कॉलेज के अंदर। बीकॉम नहीं है, कॉमर्स कॉलेज और एक उस तरफ है, वो मैं दूसरे दिन दिखाऊंगा, पता नहीं अभी वो खुला होगा कि नहीं। तो इस तरफ थोड़ा आ गया हूँ मैं, देखो रिस्की उतना नहीं है, मतलब आप जा पाओगे क्योंकि इतना स्पेस है कि आप वॉक कर पाओगे। देखो चलो इस तरफ से घुसते हैं, काफी ऊपर और काफी अंदर तक आ चुका हूं मैं, मेरा दोस्त शायद नीचे। शांतो, हाँ शांतो आ रहा हूँ, रुको। है पॉलिटिकल साइंस मेजर रूम, फर्स्ट सेम सेकंड सेम। और भी ऊपर जा सकते हैं क्या? ये बंद होगा, बंद है। देखो कहाँ से क्या लग गया यार, तो ये है साल बागान, काफ़ी अच्छा है यार, काफ़ी पीसफुल है और अच्छा लगता है यहाँ पे। बहुत लोग लाइक टाइम पास करते हैं जब क्लास नहीं रहता, और अगर बंक करते हैं तो यहीं पे करते हैं, घूमते रहते हैं यहाँ पे, अच्छा लगता है, काफ़ी पीसफुल नेचर है यहाँ पे। आई रियली लव दिस प्लेस बिकॉज सरस्वती पूजा में क्या होता है कि लोग सारे आते हैं और यहीं पे फ़ोटोशूट लेते हैं और फ़ोटो खिंचवाते हैं लाइक, और अच्छा लगता है घूमना, काफ़ी वास्ट एरिया है। और जो मैं बोल रहा था कि कॉमर्स कॉलेज, तो वो इस बाउंड्री के उस तरफ है, ये कॉलेज का बाउंड्री, ये उस तरफ से पीछे से होके जाता है, मतलब ये कॉलेज के पीछे एक गली है उस तरफ है कॉमर्स कॉलेज, तो वहाँ पे भी कभी जाएंगे, आज नहीं जाएंगे तो वो वाला कॉलेज दूसरे दिन के लिए रख देंगे। एंड काफ़ी अच्छा है यार, जो लोग सोचते हैं कि गोसाया कॉलेज छोटा मोटा है, अच्छा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब अगर आप देखो तो काफ़ी अच्छा बना दिया है। क्लासरूम ये रहा, देखने को मिल गया, मैंने सोचा था देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन सी थ्रू कर पा रहे हो आप लोग, देखो बारिश सूखने का नाम ही नहीं ले रहा है यार, मेरा बाल पूरा भीग गया है। आई होप सर्दी वर्दी ना हो। डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री है, वो साइंस ब्लॉक लिखा हुआ है, साइंस ब्लॉक बोटनी डिपार्टमेंट एंड ऑल, साइंस ब्लॉक है ये। तो ये रहा प्रिंसिपल का ऑफिस, एंड यहाँ पे मैंने अभी नोटिस किया, पता था पहले से, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, मतलब यहाँ पे ओपन यूनिवर्सिटी भी है, जो लोग डिस्टेंस में करना चाहते हैं वो लोग भी कर सकते हैं यहाँ पे। डिस्टेंस स्टडी भी है क्या यार? हाँ, मुझे भी पहले पता नहीं था, कल दीदी ने बताया था तब पता चला, और ये देख के फिर याद आया कि हाँ है। बीकॉम कोर्स भी है क्या? बीकॉम नहीं है, आर्ट्स और साइंस, और यहाँ पे ज्योग्राफी डिपार्टमेंट लिखा हुआ है। तो गाइस ये जो मेरा दोस्त है शांतो, इसका भी एक यूट्यूब चैनल है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, क्या नाम था? बोरोमोंग, बोरोमोंग। हाँ, तो बहुत पहले दिया करता था लेकिन अच्छा था, तो आप लोग अगर कंटेंट देखना चाहते हो तो आप लोग देख सकते हो। और ये मेरा दोस्त बना कुछ ही साल पहले शायद ना, एक साल दो साल होगा शायद, तब फेसबुक में बात करते थे, मतलब कुछ अगर काम हुआ तो ऐसे बात करते थे, पता नहीं था कि ये लोकल में ही है। तो ये भी पहले पाठशाला में था तब, तो मेरा जो दोस्त है सेफ, उसके साथ इसका फ्रेंडशिप था, तो सेफ मेरा भी दोस्त है, तो ऐसे करके मतलब फ्रेंड्स और फ्रेंड्स करके लिंक करके दोस्त बन गए हम लोग। तो फेसबुक में कनेक्शन था, मतलब कॉन्टेक्ट था, उसके बाद ये गोसाया गाँव से ही, तो ये मुझे पता नहीं था पहले, ये ना पहले से मतलब बचपन से ये देहरादून में पढ़ा, और जब ये देहरादून से पास आउट करके आया, 12th पास आउट करके आया ना, 10 पास आउट करके आया, तो ये देहरादून में 10 पास आउट करके आया, उसके बाद ये मतलब लोकल में पढ़ना चाहता था तब, मतलब क्लास 10 क्रॉस करने के बाद, लेकिन कॉलेज लेना पड़ा पाठशाला में, जहाँ आनंदराम में पढ़ता था ये, मैं बोजाले में पढ़ता था। तो उसके बाद फिर ये फिर से जिद करने लगा कि मैं गोसाया कॉलेज में पढ़ूंगा या फिर कोकराझार कॉलेज, बिकॉज काफ़ी सालों से बाहर रह चुका है, तो इसका मन था कि लोकल में ही पढ़े। तो कहाँ पे लिया अभी? बोरापानी, शिलोंग बोरापानी में लेना पड़ा, मतलब इसको चांस ही नहीं मिला कि ये घर पे रहे कभी, बचपन से क्लास फाइव से देहरादून, उसके बाद पाठशाला और अभी बोरापानी, घर में रहने का, अभी लॉकडाउन के वजह से इसको घर में रहने को मिल रहा है, फनी। तो गाइस काफ़ी अंधेरा हो चुका है, देखो। तो गाइस बारिश तो रुक नहीं रहा है, तो हमने सोचा कि थोड़ा कॉलेज घूम के निकल जाते हैं कुछ खाने बाजार के तरफ,
तो चलो देखते रहो गाइस, ये साइकिल जाने का रास्ता है। आओ। तो इस तरफ है भाई डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, ये रहा और क्लासेस, कंप्यूटर लैब। काफ़ी ज़्यादा भूख लग रहा है मुझे गाइस। ये है डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इस तरफ लास्ट वाला। चलो भाई घूम लेता हूँ यहाँ पे। बारिश काफ़ी ज़्यादा दे दिया रे, देखो पता नहीं कैसे जाएंगे बाज़ार तक। इस तरफ भूख भी काफ़ी ज़्यादा लग रही है। वैसे मैं डाइट में हूँ, ये दोस्त खाएगा कुछ, पता नहीं मैं भी कुछ खा लूँगा जो ऑयली ना हो। ऐसे दुकान में तो ऑयली अगर ना हो तो होगा नहीं, फिर भी देखते हैं क्या मिलता है। चलो काफ़ी ज़्यादा बारिश दे दिया, फिर भी हम निकल गए हैं यहाँ से गाइस, एंड चाय दुकान में रुकेंगे आगे जाके। बाप रे काफ़ी ज़्यादा बारिश है, देख लिया गाइस गोसाया कॉलेज। तो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, ये रहा गेट। स्टूडेंट थैंक यू, वेलकम। ओए एक बार एटीएम जाऊंगा, हाँ एटीएम जाना पड़ेगा। दुकान में बैठे यार, काफ़ी टाइम हो गया, फुल स्पीड में बारिश दे रहा है। तो गाइस दो घंटे रुकने के बाद भी कम नहीं हुआ, तो सोचा कि आगे बढ़ जाते थोड़ा बहुत, बहुत देर हो गया दो घंटे यहाँ पे रुके। अभी भी देखो बारिश है पूरा, तो उपाय नहीं यार, अभी थोड़ा रुका, फिर से बारिश पूरा साल देगा, आज पूरा दिन देगा शायद। तो घर पहुँचना है भाई, ये भी रुके थोड़ा, उपाय नहीं है अभी। पता नहीं आज घर जाने को मिलेगा या नहीं यार, दो घंटे उस दुकान में रुके, अभी थोड़ा ही आया हम, 100 मीटर जैसे होगा ना, 100 मीटर भी नहीं है, फिर से रुकना पड़ा। इतना अभी थोड़ा कम हुआ था, अभी देखो पूरा स्पीड में दे दिया, फिर से पूरा भीग गया। पता नहीं घर कैसे जा पाएंगे, बहुत काम था आज, बाज़ार जाना था, 11 बजे बंद हो जाता है बाज़ार और दुकान बंद हो जाता है। तो अभी कितना बज रहा है, नहीं 9:30 बजे, 9:30। तो गाइस आई थिंक ब्लॉग यहीं पे मैं एंड कर देता हूँ, बिकॉज पता नहीं कब जाने को मिलेगा और गोप्रो का चार्ज भी ख़त्म हो रहा है। तो चलो आई होप कि आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, ऐसे साइकिलिंग ब्लॉग्स काफ़ी आएंगे। तो प्लान है हम दोनों का राइड करने का, और अगर बारिश ना हो ऐसे कुछ दिनों तक ज़रूर करेंगे सुबह सुबह ऐसे। तो चलो गाइस मिलते हैं अगले ब्लॉग पे, एंड तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दो चैनल, कमेंट कर देना अगर अच्छा लगा हो, तो शेयर कर देना अगर गोसाईगांव कॉलेज से हो तो ज़रूर शेयर कर देना। और चलो बाय बाय बोल दो, बाय, स्टे सेफ गाइस, स्टे सेफ, चलो कोविड टाइम। चलो गाइस मिलते हैं अगले ब्लॉग पे, टेक केयर।